अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ लौकी का हलवा। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं बता देती हूँ। इसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमने लौकी ली है, इसको हमने छील लिया है और इसको हमने कश कर लिया है, तकरीबन ये हाफ के जी है। और इसमें इस्तेमाल करेंगे हम खोया, ये तकरीबन 250 ग्राम है। 5 टेबल स्पून मेरे पास चीनी के हैं, तकरीबन 5 टेबल स्पून देसी घी, और कोकोनट पाउडर है ये भी 4 से 5 टेबल स्पून होगा, और 1 टीस्पून है इलायची पाउडर, 1 टीस्पून इस्तेमाल करेंगे ग्रीन फूड कलर, और ये बादाम, पिस्ते और काजू हैं। ये आप अपनी मर्जी से जितने डालना चाहें आप ले सकते हैं, इनको हमने काट के मिक्स किया हुआ है। तो चलिए हम इसको बनाते हैं जी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पैन में लौकी डालेंगे। अंदर हम चीनी डाल देंगे, इसको हम थोड़ा सा पका लेंगे। हल्की सी आंच पर मैं इसको छोड़ दूंगी ताकि ये लौकी के पानी में पक जाएगी, अच्छी तरह से गल जाएगी, फिर हम इसको घी डाल के भून लेंगे। अभी मैं इसको 5 मिनट के लिए कवर कर देती हूँ ताकि ये सब्जी अपना पानी छोड़ दे। ये तो फ्रेंड्स तकरीबन 8 से 10 मिनट हो चुके हैं और ये देखें ये गल चुकी है, इसका पानी भी ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है। ये देखें ये बहुत अच्छी सी तैयार हो गई है, तकरीबन इसका पानी खुश्क हो गया। थोड़ा सा हम प्लेन टेस्ट करते हैं ताकि जो रह गया वो भी अच्छे से खुश्क हो जाए। अब मैं इसके अंदर इसके साथ ही घी डाल दूंगी। घी डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे, बिल्कुल इसका पानी पुश करना है हमने, बिल्कुल एक ड्रॉप भी पानी इसमें नहीं रहे। आप चाहें तो इसके अंदर दूध वगैरह डाल के भी इसको गला सकते हैं, लेकिन उसमें फिर दूध कुछ होने में ज़रा टाइम काफ़ी लग जाता है, तो इस तरह ये बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। इसके साथ ही मैं इसमें इलायची पाउडर डाल दूँगी, कोकोनट पाउडर, अच्छी तरह से भून लेंगे हम इसको डाल के। और ग्रीन कलर थोड़ा सा डालेंगे ताकि इसका अच्छा सा फ्रेश कलर आ जाए। इसको अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेंगे, साथ साथ भूनते जाएंगे। ये तो फ्रेंड जिसको मैंने बहुत अच्छी तरह से भून लिया है, ये देखिए इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब मैं इसमें वापस चीज़ें ऐड कर दूँगी जो हमने नट्स काट के रखे हुए थे, बादाम है, काजू है, पिस्ता है, आप जो भी डालना चाहेंगे इसमें डाल सकते हैं, वो डाल देंगे। और इसके साथ हम इसमें जो खोया था ये भी डाल के इसको अच्छी तरह से 3-4 मिनट के लिए हम खाना इसको बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए इसके अंदर। बस फिर हम इसके बाद इसको निकाल अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। ठीक तो फ्रेंड्स तकरीबन 5 मिनट तक मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से भून लिया है, इसको हम इतना भूनेंगे कि इसका बिल्कुल पानी जो भी है खुश्क हो जाए अच्छी तरह से और घी निकल आए। और अब ये बिल्कुल तैयार है, अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ, देखें बिल्कुल तैयार हो चुका है, मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ।
जी तो फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ेदार किस्म का हमारा लौकी का हलवा बिल्कुल तैयार है। प्लीज़ इसको बनाइएगा ज़रूर, बहुत ही अच्छा और बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, बहुत मज़े का बनता है। जो बच्चे लौकी नहीं खाते उनको इस तरह से बना के दें, उनको पता भी नहीं चलेगा इसमें लौकी ऐड की हुई है, बहुत इसका अच्छा टेस्ट होता है। और प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।